फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमन गोस्वामी है और मैं बनाने जा रही हूँ वेज बिरयानी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो सबसे पहले ये वेज बिरयानी का मसाला है जो मैं एक बाउल भर के दही लिया, उसमें मैंने इसको मिक्स करना करूँगी। पेस्ट बन के रेडी है। अब मैं इसमें कढ़ाई पे ऑयल डालूंगी। वेज बिरयानी के लिए मैंने आलू उसको रोस्ट किया है, शिमला मिर्च रोस्ट किया है, फ्लावर रोस्ट किया है और गाजर और फरस बीन और पनीर और मटर, इन सबको मैंने ऑयल में रोस्ट कर लिया है। तेल गरम होगा, चलो। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डालेंगे जीरा और छोटी इलायची और तेज पत्ता, तीन को तोड़ के डालेंगे और थोड़ी सी दालचीनी। अब इसमें हमने जो ये दही और वो मसाला का पेस्ट बनाया है, इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे। हना लेंगे ना उसको, नला देंगे, सबको नलाएंगे। 1 2 3 गड़बड़ वारोस है सब। तो जैसे कि हमने सारी सब्जी रोस्ट करके रखी थी उसको इसमें डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके। चावल प्याज भी डाल देंगे हम थोड़ा सा। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। इतने में मैं एक टोप में राइस की लेयर्स बनाती हूँ। अब इसमें हमने राइस में एक लेयर्स बना रखी है, इस पर हम जो हमने जो मसाला सब्जी और मसाला रेडी किया है उसमें लेयर वाइज टॉपिंग करेंगे। मैंने पनीर पहले रोस्ट करके रखा है तेल में, इसलिए हम इसको इसमें थोड़ा धनिया डालेंगे, इसमें हम लोग एक और लेयर जमाएंगे। अब सेकंड लेयर्स
पुदीना पत्ता करे पुदीना पत्ता फ्रेंड्स ये रेडी है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए इस गैस पे छोड़ देंगे, स्लो गैस पे। इतने में हम बाकी काम। इस तरह से हमारी बिरयानी बनके रेडी है। अभी हम लोग आपको इसको मिक्स करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम लोग फ्रेंड और सब साथ में खाना खाने वाले हैं। अभी इसको मिक्स कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अभी हम इस ये बन के रेडी है। आप ऐसे बना के रखो और उसके बाद बनने के बाद आप उसको चम्मच से हिला के मिक्स करके बिरयानी हो अच्छे से हो जाएगी। गरम गरम सब करो। आज के लिए बस इतना ही। मेरा चैनल देखते रहो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करो। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।